भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। Let's go. Yeah. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और भाई आज है 26 जनवरी, तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। भाई आज है गणतंत्र दिवस, तो अभी हम जा रहे हैं छत के ऊपर, और छत पे जाकर भाई हम फहराएंगे तिरंगा। हाय लिट्टू। हाय गाइस। हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद। मातरम। जय हिंद का जवाब जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वेरी गुड। बस ये एक लाइन और लिख दो। ओके ठीक है, बस एक लाइन लिख दो। एक लाइन लिख दो, फिर चल रहे अपन ऊपर तिरंगा लहराना है। ठीक है। हाँ। ये नीचे जाके होमवर्क कर रहा था, और मैंने इसको जाके बोला टुक टुक हम तिरंगा लहराएंगे, तो बोला रुक जाओ पहले मुझे होमवर्क करने दो। इसकी वजह से भाई मैं काफी देर से वेट कर रहा था, और अभी भी इसके एक लाइन बाकी है, तो कह रहा है पहले मुझे एक लाइन लिखने दो फिर ऊपर जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे। हो गया। अरे वेरी गुड। चलो 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 ठीक है, तिरंगा है हमारे पास और हम जा रहे हैं ऊपर जाके लहराएंगे तिरंगा। चलो आराम से। राम जी का झंडा पहले से लग रहा है, उस दिन लगाया था हमने जब अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, तब हमने लगाया था। ये देखो राजवीर फौजी ड्रेस आई। अच्छा। हाँ, और मैं बंदूक लेके के और ये तिरंगा ले रहूंगा। बंदूक पॉकेट में रहेगी और ये तिरंगा भी ऊपर ऐसे ले रहूंगा। अरे वाह यार। चलो गाइस, ये हमारे पास पाइप, इसमें मैं लगा देता हूँ भाई तिरंगा फटाफट। थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाओ, हवा आएगी तो लहराएगा ये। इसको ऐसे घुमाओ, उलझ गया। रुको रुको रुको, ऐसे घुमाओ। हाँ ये देखो आप कितना बढ़िया लहरा रहा है, बहुत ही शानदार। ये देखो भाई टुक टुक के हाथ में तिरंगा, दोनों झंडे साथ में कितना अच्छा लग रहा है, राम जी का और तिरंगा। बांधे या बांधे या उधर बांधे, या बांधते चलो कोने में। ठीक है गाइस, हम तिरंगा लगा देते हैं भाई। एक बार लगा दिया भाई तिरंगा हमने छत पे। टूटू ऊपर मत चढ़ो बेटा, गिर जाते, रेलिंग पर नहीं चढ़ते। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में भाई तिरंगा लहराने का जो हमारा प्रोग्राम था वो हो चुका है, और फाइनली हमने घर की छत के ऊपर तिरंगा लहरा दिया है भाई। बहुत ही शानदार लहरा रहा, वो देखो वाव, हवा के साथ क्या मस्त लग रहा है, बहुत ही शानदार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अभी जा रहे हैं हम अजमेर, आज कुछ काम है हमको। एक्चुअली मैं हूँ डिम्पी है, और पीछे हमारा भाई टुक टुक बेटा है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अभी जस्ट निकले हम भाई। हाय गाइस। भाई भीड़ देखो यार, ट्रैफिक देखो भाई, सारी गाड़ियाँ उलझ गई। वो आगे रोडवेज की बसें रुक गई, इसलिए हो रहा है। गाइस हम लोग हाईवे पे लग चुके हैं, सिक्स लेन पे गाड़ी चलाने का अलग ही मजा होता है भाई, सब अपनी अपनी लेन में चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। गाइस भाई टुटू तो जब से हम निकले अजमेर के लिए तब से पीछे बैठा है, और पीछे मुड़ के गाड़ियां देख रहा है, आगे भी नहीं आया और हमसे बात भी नहीं कर रहा है। अब नहीं देख रहा क्या? नहीं। इतनी देर तो देख रहे थे आप, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया क्या? वैसे क्या देख रहे थे आप? मैं पीछे गाड़ी देख रहा था और सोच भी रहा था कुछ। क्या सोच रहे थे? वो नहीं बताने वाला मैं। मैं टुक टुक के बोलन कैप लाना भूल गई। डिम्पी ने सिर पकड़ा है, कुछ भूल गई है। डिम्पी की बुलन कैप भूल गई है। टुक टुक की। अच्छा टुक टुक की बुलन कैप भूल गई, इसलिए सिर पकड़ रही बंदी। मैं इस भरोसे थी कि मैंने ले लिया, मुझे याद आ रहा है मैंने ली नहीं इसकी बुलन कैप। कोई दिक्कत नहीं है, आज अच्छी खासी धूप पड़ रही है गाइस, ठंड कम हो चुकी है दिन को। रात को तो ठंड रहती है लेकिन दिन को तो भाई काफी कम है, तो डिम्पी कैप भूल गई है टुक टुक की, इसके लिए अपना माथा पकड़ रही है। भूल तो गई, क्या हो सकता है, अगर रात को जरूरत पड़ेगी तो शॉप से खरीदूंगी। हम आ गए भाई मसानिया बेरू सर्कल के, यहाँ पे पुलिया का काम चल रहा है गाइस, ये देखो। फिर यहाँ पर ओवर ब्रिज बन जाएगा तो सारी गाड़ियाँ ऊपर से निकल जाएगी, ये काफी अच्छा है यहाँ पर। गाइस भाई हम अजमेर पहुँचने वाले हैं, मेन जो सिक्स लेन हाईवे था उससे हम नीचे उतर चुके हैं, और हम आ गए भाई माखूपुरा बाईपास। तो यहाँ पर छोटे वाली सिस्टर है,
सिस्टर को लेंगे और फिर जाएंगे भाई मार्केट। आज भाई 26 जनवरी थी तो सुबह सुबह तो पहले हमने घर पे तिरंगा फहराया और फिर हम निकले हैं अजमेर के लिए। और भाई यहाँ आए रेलवे फाटक बंद मिली है। ओ भाई टुक टुक को डिम्पी खाना खिला रही है, ये देखो। हमेशा भाई डिम्पी इसके खाना साथ में लेके आती है और जब भी इसका खाने का टाइम होता है उसी टाइम पे इसको खाना खिलाती है। अरे हाँ यार क्या करें, कहाँ से निकलेंगे बेटा, पता नहीं किधर से आएगी ट्रेन, इधर से आएगी, इधर से आएगी। आई आई हॉर्न की आवाज आई है, इधर से आ रही है। जोधपुर इंदौर ट्रेन है गाइस, जोधपुर इंदौर। पिछली बार भी यही थी ना जोधपुर इंदौर? हाँ पिछली बार भी यही थी। अरे यार गाइस पिछली बार हम फाटक पे रुके थे तब ये सेम ट्रेन थी और आज भी सेम ट्रेन है और सेम टाइम पे हम फाटक पे अटके हैं भाई देखो। तो पिछली बार भी अपना रुकने का टाइम यही था ना, सेम टाइम था तो सेम ट्रेन ही निकलेगी है ना, इसी टाइम रुके थे तो दो ट्रेन ना जाए। हाँ यार पिछली बार दो निकली थी, इधर से हो रहेगी। अरे यार ऐसा ना हो यार प्लीज, एक ट्रेन निकली अब दूसरी ना आ जाए यार। आई होप जल्दी हमारी फाटक खुल जाए भाई। तो ट्रेन तो निकल चुकी है, फाटक के खुलने का इंतजार है गाइस। दूसरी ट्रेन भी आ चुकी है भाई, ये भी पैसेंजर है, फिर से जोधपुर इंदौर। ये जोधपुर से इंदौर जा रही है, वो इंदौर से जोधपुर जा रही थी। आने वाली और जाने वाली दोनों ट्रेन जोधपुर इंदौर है भाई और दोनों यहाँ पर क्रॉस होती है। देखो खाना हो गया इसका, खाना हो गया बेटा। हाँ हो गया। Many hours later, शाम का वक्त होना आ गया, देखो सनसेट होने वाला है कुछ ही देर में। तो भाई अजमेर में तो काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी थे तो ब्लॉग वगैरह तो मैं ज़्यादा बना नहीं पाया और अभी हम वापस निकले हैं अजमेर से। जस्ट निकल के हाईवे पर आ चुके हैं और हाईवे पे एक होटल पर रुके हैं। वो गया उधर, कुछ चीज चाहिए, कुछ चीज दिला दो। वो उधर चाहिए उसको, कुछ गिफ्ट है, खिलौना चाहिए। हाँ देख लिया उसने, वो होटल के बाहर जो लगे हुए ना वो चाहिए इसको कुछ। चलो चलो दिला रहे दिला रहे। टुक टुक को कुछ टॉयज वगैरह चाहिए, क्या क्या ना थे, गरजार खाजू। आगे बैठो बेटा, लड्डू मिला आपको, लड्डू मिला मुझे रिटर्न गिफ्ट। हाँ भाई हम रुके होटल रूपाली, लड्डू मिला मुझे रूपाली होटल की तरफ से। अरे भाई आजा, टुक टुक भाई जब भी आया ना हम आजा तो ऑलमोस्ट इसी होटल पे रुकते हैं चाय पानी के लिए। तो वो भैया जानने लग गए, टुक टुक के भी फ्रेंड बन गए। अरे छोड़ो, हाँ अब आओ। तो चाय पानी हो गई हमारी और अब निकल रहे वापस घर। ले ला, ले ला था वो ले लिया। खुला गेट। भाई टुक टुक ने ये ट्रेन ली है, टॉय ट्रेन, ये देखो इसको पसंद आ गई, इसके लिए हम लेट हो गए। लो थैंक यू, पसंद आ गई आपको? पसंद आ गई। अब ठीक है चले अब घर, चलो। सो गाइज भाई अजमेर से हम वापस आ चुके हैं घर पे और भाई काफ़ी थकान हो गई मुझे तो, क्योंकि दिन को गए फिर अजमेर में जो भी हमारा काम था वो किया, फिर वापस अभी आए तो भाई ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हो गई और भागम भाग हो गई, इस वजह से थकान काफ़ी हो गई। तो अभी हम घर पे आ चुके हैं और अभी भाई मैं चेंज वगैरह कर लेता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और फिर आज की वीडियो को भी अब यहीं ख़त्म करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। Chains go free me, people like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me.